मैं आपको बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को जीरो पिलाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी सूपड़ा साफ हो सकता है कि हमने 15-20 साल से कांग्रेस बीजेपी को झेल लिया, अब हम और नहीं झेलना चाहते। राजनीति पर दिल्ली की जनता बहुत भरोसा करती है। ये जो 5 उपचुनाव हुए 5 सीटों पर, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया था ये सेमीफाइनल है, तो आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अगर ये सेमीफाइनल था तो फाइनल का नतीजा क्या होने वाला है, ये भी जान लेते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, 4 सीटें जीतने के लिए, और बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जीरो पिलाने। आज आपने ये साबित कराया है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 15 साल से बीजेपी की राजनीति में लगातार टिकी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी सूपड़ा साफ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह जीरो पर लाई जा सकती है, ये आज आपने बता दिया, तो मैं इसकी बधाई देता हूँ। और हम सब लोग अभी थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुनेंगे, वो हमारे बीच में आने वाले हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक एक कार्यकर्ता को और खासतौर से जो हमारे 4 साथी यहाँ जीते हैं, उन 4 साथियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब 1 साल आपके पास मौका है, 1 साल में ऐसा काम करो कि 1 साल बाद जब दोबारा चुनाव हो रहे हो और आप वोट मांगने जाए तो लोग कहें हमने तो एक साल पहले आपको चुन लिया था, दोबारा वोट मांगने के लिए दोबारा चुनाव आपको लड़ने की जरूरत ना पड़े, इसी लड़े चुनाव में, इस बार 1 साल के लिए नहीं, आप 6 साल के लिए जीते, ये माहौल बना के रखना पड़ेगा आपको। और साथ में हम सब लोग जितनी मेहनत से चुनाव लड़े हैं, एक एक कार्यकर्ता खासतौर से दुर्गेश जी के नेतृत्व में, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, सब लोगों ने खूब काम किया, सारे विधायक साथियों ने बहुत काम किया, सभी लोगों ने, यहाँ पर जितने कार्यकर्ता बैठे हैं सबने, मैंने खुद जाके देखा जमीन से जब रिपोर्ट आती थी तो पता चलता था कि हमारे तमाम साथी कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का नतीजा है कि 4 सीटें आपने 5 में से जीत ली, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और बस अब इंतजार करिए, दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही है कि जितना जल्दी चुनाव हो उतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन से नगर निगम को आजाद कराया जाए, नगर निगम की सड़कें साफ कराई जाए, नगर निगम के प्राइमरी स्कूल अच्छे किए जाए, नगर निगम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छे किए जाए, नगर निगम में भी ऐसी सरकार लाई जाए जो लेंटर वसूली बंद करके काम करने वाले काम करे। ये 15 साल के काम और 6 साल के काम के बीच लड़ाई थी, आपने 6 साल के काम को जीत दिलवाई है, ये बहुत बड़ी चीज है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज पूरे देश में लोकल इलेक्शन जहां जहां हुए हैं अभी पिछले दिनों में, आप देखो गुजरात में, आप देखो महाराष्ट्र में, हर जगह से, गोवा तक में, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह से लोगों के बीच निकल के आ रहा है कि हमने 15-20 साल से कांग्रेस बीजेपी को झेल लिया, अब हम और नहीं झेलना चाहते। अब अरविंद केजरीवाल जी ने 6 साल में जो दिल्ली में काम करके दिखाया है, वैसी ही राजनीति अब गुजरात के लोग भी लाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी लाना चाहते हैं, और यहाँ के कार्यकर्ताओं पर और यहाँ के चुने हुए नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये संदेश अभी तक जो दिल्ली से गया है कि केजरीवाल जी की सरकार काम करने वाली पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की राजनीति काम करने की राजनीति है, ईमानदारी की राजनीति है, ये संदेश लगातार दिल्ली से निकलते रहना चाहिए। हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सबके बीच में ये, हम लोग यहाँ से ये संदेश निकालते रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे बीच में अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं, और हम सब उनको जोरदार नारा लगा के एक बार उनका स्वागत करिए, भारत माता की। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।